हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रूपा और आज मैं बनाऊंगी एक बिरयानी। हाँ, बिरयानी तो बहुत सारे तरीके से बनते ही है, लेकिन आज मैं बनाऊंगी एक झटपट सी वाली बिरयानी, क्योंकि आज मैं बनाऊंगी एकदम बिरयानी। ये उतना ज़्यादा मैरिनेशन का ज़रूरत नहीं है और एकदम भी कोई भी प्रिपरेशन का एकदम ज़रूरत नहीं है, लेकिन खाने में एकदम मस्त बनते हैं। घर में ज़रूर एक बार ट्राई करना। तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं एकदम बिरयानी। लेट्स बिगिन। एक बिरयानी बनाने के लिए मैंने पैन चढ़ा दिया है और डाल दिया है ऑयल एंड घी, 1 टेबल स्पून ऑयल एंड 1 टेबल स्पून घी। अब इसको गर्म होने दीजिए। ऑयल हमारा गर्म हो गए है तो अभी ऐड कर देंगे लौंग, इलायची, थोड़ा सा जावित्री, स्टार ऑनिस, शाही जीरा 1/2 टीस्पून, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। मसाला हमारा फ्राई हो गए है, अभी ऐड कर देंगे ओनियन, एक मीडियम साइज का ऑनियन फाइनली चॉप किए हुए। अभी इसको थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। ऑनियन हमारा फ्राई हो गए है, अभी ऐड कर देंगे बॉयल किए हुए अंडे। इसको बस नमक एंड हल्दी मैंने लगा दिया है, फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे एक ही साथ में। और साथ ही साथ में मैं ऐड कर दूंगी बॉईल किए हुए पटेटो, इसको भी नमक एंड हल्दी लगा लिया है, ऐसे ऐड कर दीजिए, प्लेस कर दीजिए 1 बाय 1 करके। एग एंड पटेटो हमारा फ्राई हो रहे हैं, तो चलिए इस टाइम में कुछ मसाला तैयार कर लेते हैं। देख लीजिए, मैंने ले लिया है 4 टेबल स्पून दही और इसके अंदर अभी ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून बिरयानी मसाला। ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून रोज वाटर, 1/2 टीस्पून केवड़ा वाटर, 1/2 टीस्पून को एक साथ मिला देंगे बहुत ही अच्छे से। देख लीजिए, सारे मसाले एक साथ मिल गए थे, तो ये हमारा रेडी है। तो चलिए अभी देख लेते हैं एग फ्राई हुआ है या नहीं। देख लीजिए, इस साइड पे एग और पटेटो दोनों ही हमारा बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अभी इसके अंदर ऐड कर देंगे वो मसाले जो मैंने तैयार कर दिया और फ्लेम को बिल्कुल लो में कर देंगे। देख लीजिए, मसाले मैंने ऐड कर दिया है और अभी ढक्कन लगा देंगे और 5 मिनट के लिए इसको कुक कर लेंगे। देख लीजिए, 10 मिनट हो गए हैं और मसाला हमारा पूरा के पूरा पक गए हैं, ऑयल ऊपर से निकल आ रहा है। देख लीजिए, इस टाइम में ऐड कर देंगे थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स चॉप किए हुए, थोड़ा सा मिंट लीव्स चॉप किए हुए एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा बेरिस्ता, ऐसे ऐड कर दीजिए। मिला दीजिए सारे चीज़ों को एक साथ, थोड़ा सा हल्का हाथों से मिला दीजिए। ढक्कन लगा के और 1 मिनट के लिए पका लीजिए। देख लीजिए, 1 मिनट हो गए है, ढक्कन हटाएंगे। देख लीजिए, मसाला हमारा पूरा के पूरा पक गए है। तो अभी ऐड कर देंगे राइस। तो अभी मैं ऊपर से ऐड कर रही हूँ 70% कुक्ड बासमती राइस। राइस को पूरा के पूरा कुक मत कीजिए। ऊपर से ऐड कर देंगे थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स चॉप किए हुए, थोड़ा सा बेरिस्ता ऊपर से ऐसे स्प्रिंकल कर दीजिए और थोड़ा सा बिरयानी मसाला ऐसे ऊपर से स्प्रिंकल कर दीजिए। और अभी ऐड करेंगे 1 ड्रॉप मीठा अतर, क्योंकि इसके बिना तो बिरयानी फिनिश नहीं होते हैं। ऐड कर दीजिए ऐसे,
ढक्कन लगा देंगे और अभी इसको दम पे चढ़ाएंगे। तो इसके लिए मैंने चढ़ा दिया है एक तवा और उसके ऊपर अभी पैन को प्लेस कर दिया, क्योंकि इससे पूरा के पूरा हीट हमारा इवेनली स्प्रेड हो जाएगी। तो अभी ऐसे लो फ्लेम में इसको 30 मिनट के लिए दम पे रखिए। देख लीजिए 30 मिनट हो गए हैं और मेरा इजी एंड टेस्टी एग दम बिरयानी अभी रेडी है। तो चलिए अभी इसको सर्व कर देते हैं। देख लीजिए मेरा एग दम बिरयानी अभी रेडी एंड सर्व्ड। कैसा लगा मेरा ये रेसिपी? अगर अच्छा लगे ना तो मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इतने अच्छे अच्छे रेसिपीज के नोटिफिकेशन के लिए नीचे बेल बटन को भी दबा देना। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।